वो पहले बड़ी कंपनी की तर्ज पर नौकरी देते थे, उनका किसी को अपॉइंट करने का तरीका भी प्रोफेशनल था, लेकिन उनका असली काम बेरोजगारों को नौकरी पर रखकर लूट की वारदात को अंजाम देना था। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शातिर लुटेरे गैंग के सदस्य जो ऑनलाइन ऐप के जरिए पहले लोगों को नौकरी पर रखते थे, फिर उनको ही लूट लेते थे। पहले देते थे जॉब, फिर उसी को लूट लेते थे। जॉब देने वाले लुटेरों से सावधान। ऑनलाइन ऐप के जरिए अगर आपको कोई अच्छी जॉब दे रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लुटेरे आपको अपना शिकार बना सकते हैं। क्योंकि नोएडा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 18,000 की सैलरी पर 3 युवकों को जॉब पर रखा गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें जॉब देने वाले बॉस किसी कंपनी के मालिक नहीं बल्कि लुटेरे गैंग के सरदार। जब तक उन्हें कुछ समझ आता वो लूट का शिकार हो चुके थे। इसमें हमने टोटल 3 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है और इसमें एक महिला जिसका नाम तारा उर्फ मनस्वी शुक्ला, ये जो फरार चल रही है इसकी मास्टरमाइंड है और इसके द्वारा जो है वो वर्क इंडिया करके या जॉब है करके एक ऐप के माध्यम से लोगों को रिक्रूट किया जाता था। ये और इसका बॉयफ्रेंड दोनों लोग लोगों को रिक्रूट करके और उनको जो है हायर करके ये घटना कराते थे। लोगों को जॉब देकर लूटने वाले गैंग को पीहू द्विवेदी उर्फ मनस्वी द्विवेदी नाम की युवती चला रही है। उसका बॉयफ्रेंड भी इस काले काम में उसका पार्टनर है। इस गैंग के अब तक 3 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि गैंग के मास्टरमाइंड मनस्वी और उसका बॉयफ्रेंड फरार है। ये घटना उनके द्वारा हायर करके कराई गई है। इन 3 लोगों से जो पूछताछ की गई है इसमें ये निकल कर के आया है, इस लेडी ने जिसका नाम मनस्वी है और जो लगभग जो है वो 18-19 साल की है, ये 122 में रहती थी और अपने बॉयफ्रेंड के जो अकाउंट्स हैं और जो उसकी कंपनी है उसको चलाती थी। काफी ज्यादा घाटा हो जाने के कारण इन्होंने एक गाड़ी लूटने का प्लान बनाया और जिससे उसको बेच करके ये अपने कर्जे को उतार देते। तो उसी क्रम में जो है ये 113 क्षेत्र में उस दिन रात में मनस्वी शुक्ला, उसके बॉयफ्रेंड और ये 3 जो लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके अनमोल मित्तल के साथ लूट की थी। इस गैंग ने नोएडा के सेक्टर 76 में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। युवक से कार लूटी, कार लूटने के बाद पीड़ित के एटीएम से पैसा निकाला, पीड़ित की सोने की अंगूठी और चैन भी। पीड़ित कार मालिक को रोड पर छोड़कर फरार हो गया। सैलरी पर रखा था, इनके द्वारा बताया गया कि 18,000 रुपए महीने की सैलरी पे इनको रखा गया था और इनको ये इम्प्रेशन दिया गया था कि आपको जो है वो फाइनेंस वाली जो हमारी गाड़ियां हैं, जो चीजें हैं, उसके लिए आपको काम करना है। अभी जो दोनों हमारे वांछित चल रहे हैं इनके लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब नोएडा पुलिस लोगों को नौकरी पर रखकर उन्हें लूट का शिकार बनाने वाली इस गैंग की लेडी डॉन पीहू द्विवेदी और मनस्वी द्विवेदी और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश में जुटी है। पुलिस को आशंका है कि नोएडा में पिछले कई दिनों में हुई कई बड़ी लूट की वारदातों में इनका ही हाथ है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज 16। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक और साजिश सामने आई है। एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि कुछ नाबालिग के